बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने DE की मैथ 212 स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और बच्चों हमने उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों फाइंड करें इक्वेशन ऑफ सर्कल। बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का ना ज़रूरी है, एक सेंटर दूसरे नंबर पे रेडियस। ना बच्चों उसने हमें सेंटर दिया ना उसने उसने हमें रेडियस दिया। अब क्या करेंगे, हमने उसने एक पॉइंट दे दिया और टच करता है एक्स एक्सिस एट 0 0। बच्चों 0 0 का मतलब क्या बच्चों, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इसके ऊपर ही क्या बनता है हमारा सेंटर। ये बच्चों हमारे उसने एक सर्कल दे दिया, सर्कल के क्योंकि ये हमारे पास सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट हम अपनी तरफ से फर्ज कर लेंगे बच्चों, ये एक्स वाई प्लेन है। बच्चों ये पॉइंट हमें क्या करता है पास, बच्चों ये हमें सेंटर दे दिया, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एच और के। इसी तरह बच्चों ये एक पॉइंट दे दिया जो सेंटर में क्या करता है पास 3 व 1। इसी तरह बच्चों अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूँगा, मुझे पता है क्योंकि ये किसके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये कौन सा एक्स एक्सिस बनता है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास एच है और वाई यहाँ पर क्या होता है 0। तो बच्चों क्योंकि ये यहाँ पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0, यहाँ पर दोनों एक्सिस आपस में क्या होते हैं 0 0। तो बच्चों ये पॉइंट हमें क्या दे दिया उसने 0 0। तो क्या करेंगे बच्चों, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है, सेंटर अपनी तरफ से फ़र्ज कर लेंगे एच और के, और ये लाइन ये पॉइंट क्या करता है पास करता है सेंटर से, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे बी और इस सेंटर पॉइंट का नाम क्या रखेंगे ओ। तो बच्चों ये 0 0 का मतलब क्या, क्योंकि ये हमारा उसने बताया था टचिंग द एक्स एक्सिस एट, बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर टचिंग है क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के ऊपर यहाँ पर एक्स की और वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो हम ये 0 0 ले लेंगे। हमें पता है ओ बी का डिस्टेंस बराबर है ओ ए के डिस्टेंस के, तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। पहले बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे तो ओ बी का डिस्टेंस, तो बच्चों हमारे पास एक्स 2 माइनस एक्स 1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर ऊपर जजर ऊपर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का डिस्टेंस। बच्चों x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर जजर ऊपर होल का स्क्वायर मरबा जजर कैंसल। फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, एच का स्क्वायर आ जाएगा प्लस के का स्क्वायर आ जाएगा, एच का स्क्वायर इस एच के स्क्वायर के साथ कैंसल, के का स्क्वायर इस के स्क्वायर के साथ कैंसल, हमारे पास बचेगा माइनस का 6h माइनस का 2k, 9 प्लस 1 हमारे पास कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन गई, इसका इक्वेशन 1 रख देंगे नाम। तो बच्चों यहाँ पर देख लें, ये जो सा हमारे पास टेंजेंट है इसकी, ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बनता है हमारे पास वाई एक्सिस, और हमें पता है वाई एक्सिस के अंदर एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए एच को हम किसके बराबर ले लेंगे, हमें पता है वाई एक्सिस के ऊपर एच की वैल्यू क्या होती है 0। मतलब एक्स 0 होता है ना वाई एक्सिस के ऊपर, इसी तरह एच भी क्या हो जाएगा 0, हम एच को 0 ले लेंगे। तो बच्चों ये माइनस का 6 एच हमारे पास 0 माइनस 2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो बच्चों ये 0 हो गया हमारे पास, माइनस का 2k प्लस का 10 माइनस का 10 माइनस माइनस के साथ कैंसिल, k इज इक्वल टू 10 बटा 2, 2 5 10 k की वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर आ गई। तो बच्चों अगर मैं सेंटर
हमने सेंटर भी के की वैल्यू भी मालूम है हमें और एच की वैल्यू भी मालूम है हमें। अब क्या मालूम करना है, रेडियस, रेडियस हमें पता है ओ ए का जो सा डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस के बराबर है। तो बच्चों ये ज़ीरो, इसी तरह एच में किसके बराबर है, एच ज़ीरो के बराबर, ज़ीरो का स्केयर आ गया प्लस ये ज़ीरो। इसी तरह के बच्चों ए ए ओ ए का डिस्टेंस है ज़ीरो, इसी तरह के हमने क्या निकाला है, फाइव ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा फाइव का स्केयर ऊपर जजर, तो आर मरबा जजर कैंसिल, आर इज इक्वल टू हमारे पास फाइव के बराबर आ गया। बच्चों ये माइनस फाइव का स्केयर पच्चीस कर लें पहले इसे, या हम क्या कर लेंगे इसे पच्चीस आ गया, पच्चीस का जजर, पच्चीस का जजर फाइव आ जाएगा। बच्चों हमें h की वैल्यू भी आ गई k की, अब इक्वेशन लगा देंगे x माइनस h ऊपर होल का स्केयर प्लस y माइनस k ऊपर होल का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर। x h हमारे पास ज़ीरो के बराबर है ऊपर होल का स्केयर प्लस y, इसी तरह k हमारे पास फाइव के बराबर है ऊपर होल का स्केयर, r हमारे पास फाइव के बराबर ऊपर होल का स्केयर आ गया। अगर बच्चों इसको हल करेंगे तो ये एक्स का स्केयर आ गया, इसको हल करेंगे तो ये ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस टू ए बी और पच्चीस, फाइव का स्केयर पच्चीस आ गया। बच्चों ये पच्चीस इस पच्चीस के साथ कैंसल, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस का टेन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन असल में क्या था, सबसे पहले आपने ये जो सर्कल बनाना है ये किसके अंदर बनाना है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। हम अपनी तरफ से H और K ले लेंगे, लेट कर लेंगे, ये पॉइंट क्या करता पास करता था, इसको B का नाम दे देंगे, ये हमें उसने दिया था पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो, इस रीजन पॉइंट का नाम क्या रख लेंगे ज़ीरो ज़ीरो। हम ओ ए का डिस्टेंस बराबर है ओ बी के डिस्टेंस के बराबर, इक्वेशन वन आ जाएगी। अब हमें पता है वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है ज़ीरो, इसी तरह एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो हम ये h की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो पुट करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे k की, तो हमारे पास h की वैल्यू भी आ गई k की। अब हमने फाइंड करना था रेडियस, बच्चों रेडियस हमारा असल में ओ ए का जो सा डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। तो ये ओ ए का डिस्टेंस ये था हमारे पास ज़ीरो, h की जगह ज़ीरो प्लस ज़ीरो, k की वैल्यू फाइव, फाइव का स्केयर पच्चीस आ गया, पच्चीस का जजर फाइव आ गया, आर की वैल्यू आ गई। बच्चों इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे एच के की और आर की वैल्यू पुट करेंगे, इसको थोड़ा यह सॉल्व कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हैं फिर भी ठीक है। तो बच्चों ये मेरा क्वेश्चन नंबर थ्री था। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर थ्री लाजमी करना है, इसके जोज नंबर ए बी सी डी ई एफ, एफ सिक्स जोज हैं अपने, सिक्स के सिक्स जोज करने हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।